चलिए आज स्टार्ट करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है कि लेट ए एंड बी बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग द रिलेशन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर जो है रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है एंड लेस देन इक्वल टू बी। ये स्टेटमेंट जो है ना इक्वलिटी डिवीजन लेमा जो है इज बेस्ड ऑन डिवीजन रूल, एकदम पूरा पूरी डिवीजन रूल पे बेस्ड है। आइए इस स्टेटमेंट को एग्जांपल से समझते हैं। चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं सात और चार। इसमें से क्या है कि सात बड़ा और चार छोटा है, चार से जो है सात में डिवाइड करेंगे तो चार कम चार, तो यहाँ पर आपका ये हो गया रिमाइंडर। ये आपका हो गया कोसेंट, ये आपका हो गया डिविडेंड, ये आपका हो गया डिवाइजर। तो आपको डिवीजन रूल पता है कि डिविडेंड डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर गुने कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो आपका डिविडेंड हो गया सात, डिवाइजर फोर, कोसेंट एक, रिमाइंडर तीन। तो यहाँ पे जो बोल रहा था सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन, तो ये आपको हो गया ए, ये आपका हो गया बी, ये आपको हो गया क्यू और ये आपको हो गया आर। तो इसी रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है और रिमाइंडर जो है रिमाइंडर कितना है थ्री, तो रिमाइंडर जो है थ्री जो जीरो से बड़ा या बराबर भी हो सकता है लेकिन बी से छोटा, मतलब बी कितना है चार से छोटा है। तो यही इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा है। जैसे मान चलिए कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, जैसे यहाँ बी का वैल्यू आया था चार, तो रिमाइंडर जो है रिमाइंडर जो या तो जीरो हो सकता है या तो वन आ सकता है या तो टू आ सकता है या तो थ्री आ सकता है फोर नहीं आ सकता है। अगर बी बराबर ले लेते हैं थ्री तो आपका रिमाइंडर आपका हो गया जीरो वन टू, बस इतना ही हो सकता है रिमाइंडर। तो यहाँ पे देखिए सात को आप लिख सकते हैं कैसे फोर इंटू वन प्लस थ्री, तो यहाँ जो क्यू और आर जो है क्यू वो नहीं आ सकता है और आर तीन ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा आ नहीं सकता है, कोई दूसरा भी नहीं आ सकता है। यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा था है। इसमें कुछ नोट करके लिखने वाला पॉइंट है, नोट इसका एक नोट है कि नोट में लिखिएगा कि कोसेंट और रिमाइंडर रिमाइंडर कैन अल्सो बी जीरो, मतलब रिमाइंडर और कोसेंट जीरो हो सकता है, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है बेस्ड है लेमा पे, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द एलसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज जो होता है दो पॉजिटिव इंटीजर के एलसीएफ को फाइंड करने में किया जाता है। एल्गोरिथम का मतलब होता है कि एन एल्गोरिथम इज़ अ प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम, कोई पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने करने
हम एल्गोरिथम बोलते हैं, तरीका को हम एल्गोरिथम बोलते हैं, कोई भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीका को एल्गोरिथम बोलते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो फर्स्ट यूज है, जो टू पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच एचसीएफ फाइंड करना, तो पहला यूज है कि इसको एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ फाइंड करने का जो टेक्निक है कि टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी विथ ए ग्रेटर देन बी फॉलोइंग, इसका स्टेप नीचे लिख दिए हैं, इसको उतार लीजिए कि इसका यूज कैसे करेंगे। वो हम अभी हम बता रहे हैं कि ये जो है एल्गोरिथम जो है लेमा पे बेस्ड है, मतलब लेमा का बार बार यूज करके एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए इसका पहला यूज जो है एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालते हैं। सारे स्टेप कॉपी करने के बाद अब चलते हैं एग्जांपल पे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 250 एंड 30। तो इसमें जो है 250 जो है बड़ा है 30, तो ये आपका हो गया ए, ये आपको हो गया बी। तो आप क्या कीजिएगा, पहले डिवाइड कीजिएगा 30 से 250, डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 10 बचा। तो यहाँ पे लिखिएगा कि बाय बाय यूजिंग यूक्लिड्स लेमा, लेमा 250 इज इक्वल्स टू 30 इंटू 8 प्लस 10, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो इस प्रोसेस को आगे फर्दर आगे बढ़ाएंगे, यह रिमाइंडर 0 नहीं आया था। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इस, तो अब क्या करेंगे, अब जो है फिर 10 से आपका हो गया बी और ये आपका ये हो गया ए, इसको डिवाइड करेंगे 30, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो फिर क्या करेंगे कि यूजिंग यूक्लिड्स लेमा 30 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 3 प्लस 0, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना गया 0। तो प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे यहीं पे, डिवाइजर जो होगा इस स्टेज में, डिवाइजर जो आपका हो गया जो है 10 हो गया। तो दी डिवाइजर एट दिस स्टेज बराबर 10, डिवाइजर जो है इस स्टेज में 10 है। तो एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ होगा एचसीएफ ऑफ 250 एंड 30 इज 10। तो आपको जब भी इस क्वेश्चन में बोलेगा कि यूज यूक्लिड एल्गोरिथम, तो आपको इतना करना पड़ेगा तब जाके एग्जाम में नंबर मिलेगा। तो आपको इतना करके छोड़ दीजिएगा बस, ये आपका हो गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये जो है एचसीएफ निकालना, इसका फर्स्ट यूज एचसीएफ निकाल लिए। अब आते हैं इसका सेकंड यूज, सेकंड यूज पर अब इसका आते हैं। यूज नंबर फर्स्ट तो एचसीएफ निकालना था, अब आते हैं यूज नंबर सेकंड पे। यूक्लिड डिवीजन
एल्गोरिथम यूज सेकेंड सेकेंड यूज जो है नंबर्स के प्रॉपर्टी को फाइंड करने में करते हैं। चलिए इसको आते हैं एग्जांपल से, कि यहाँ पे एग्जांपल फर्स्ट बोल रहा है कि सो डैट एवरी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव यहाँ बोल रहा है, जितना ही पॉजिटिव बोल रहा है कि एवरी पॉजिटिव ऑड सॉरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म टू एन, जितना भी इवन इंटीजर है पॉजिटिव वो टू एन के फॉर्म होगा, और जितना भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो है टू एन प्लस वन के फॉर्म होगा, जहाँ पे एन जो है सम इंटीजर बोल रहा है, एन जो है इंटीजर मतलब एन का वैल्यू जो हो गया जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। चलिए इसको बनाने का तरीका बता रहे कि यहाँ पे जो है इसको ऐसे शो करना है कि लेट स्मॉल ए बी एनी पॉजिटिव, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एंड बी बराबर टू मान लीजिए, क्योंकि यहाँ टू लाना है इसलिए बी बराबर टू मान लिए। और उसके बाद जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा के यूज़ करेंगे कि हमको बी टू दे दिया है तो ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है, और आर का जो वैल्यू होता है लेस देन इक्वल टू बी ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से जो है ए बराबर हो गया, बी का वैल्यू टू माने थे यहाँ पे, बी का वैल्यू टू है तो यहाँ पे टू क्यू प्लस आर, और क्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से जो अभी पिछले थोड़ा देर पहले बताए थे कि आर का वैल्यू जो है क्या क्या हो सकता है, बी का वैल्यू कितना है टू है, तो बी बराबर टू है तो आर बराबर जो है जीरो होगा वन होगा, और बस इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसको क्या करेंगे कि एक बार जो है इसमें पुट करेंगे, एक बार आर बराबर जीरो रखेंगे तो ए बराबर आएगा टू क्यू प्लस जीरो, तो ए बराबर आ गया टू क्यू, तो ये आपका हो गया इवन इंटीजर। और एक बार रखेंगे आर बराबर वन तो ए बराबर टू क्यू प्लस वन, तो ये हो गया ऑड इंटीजर, और ये हो गया पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो बस इतना ही शो करना है, और लास्ट में बस लिख देना है, इतना करने के बाद लास्ट में लिखना है कि हैंस एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म टू एन एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म टू एन प्लस वन, बस इतना करके छोड़ देना है।